क्लास थ्री लेशन थ्री रीगल कॉन्वेंट स्कूल बुक लेशन थ्री सुख का आधार बेस ऑफ हैप्पीनेस। माँ बापूजी के पास कुर्ता नहीं है, क्या तुम उनके लिए कुर्ता सिल दोगी, बेटे ने अपनी माँ से पूछा। माँ ने उत्तर दिया, बापूजी से पूछ लेना, कहेंगे तो सिल दूंगी। गांधी जी बच्चों से भी बहुत प्यार करते थे, बच्चे उन्हें प्यार से बापूजी कहते थे। माँ को गांधी जी के बारे में पता था, उसने बेटे को कुछ अपनी तरफ से नहीं समझाया, सोचा बेटा बापू से पूछने जाएगा तब अपने आप उसे अनुभव हो जाएगा। अगले दिन वह छोटा बच्चा बापूजी से मिलने साबरमती स्थित उनके आश्रम में गया। वे चरखे पर सूत कात रहे थे, बच्चे ने उनसे पूछा, बापूजी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते। बापूजी ने प्यार से बच्चों को अपने पास बिठाया और बोले, मेरे पास पैसे कहाँ है बेटा, मैं बेटे ने कुर्ते के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। उसने बापूजी से कहा, मेरी माँ कपड़े सिलती है, मैं माँ जी से आपके लिए कुर्ता सिलवा कर ला दूंगा, तब तो आप पहनेंगे। बापू ने पूछा, तुम्हारी माँ कितने कुर्ते सिल देगी। बेटा आप जितने कहोगे मेरी माँ आपके लिए उतने कुर्ते सिल देगी, बच्चे ने उत्तर दिया। बच्चे को हाजी जवाबी से खुश होकर वे बोले, मैं अकेले थोड़ी ही हूँ बेटा, मेरा परिवार तो 40 करोड़ लोगों का है, उनमें से बहुत से लोग कपड़ा नहीं पहन पाते, क्या तुम्हारी माँ सबके लिए कपड़ा सिल देगी। अब बच्चा आग्रह करने की स्थिति में नहीं था, उसे अचरज में पड़ा देखकर बापूजी ने समझाया, सारे भारतवासी मेरे परिवार वाले हैं, जब तक मैं ये सुखी नहीं हो सकते तब तक मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ। बच्चा मुस्कुराने लगा, वह समझ गया बापूजी की वेशभूषा अब उसे सच्चाई का पाठ पढ़ा रही थी।